दोस्तों, कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्टों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के DRDO अब एक लेजर वेपन दुर्गा 2 पर काम शुरू करना चाहते हैं। ये खबर सिर्फ भारत के मीडिया रिपोर्ट से ही नहीं बल्कि US के एक वेबसाइट ने भी दी है कि भारत तब एक और लेजर वेपन में काम करने जा रहा है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आज के इस वीडियो में हम दुर्गा 2 पर विस्तार से बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये एक लेजर वेपन है जो काली लेजर वेपन से भी काफी अलग है। पहले हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि दुर्गा 2 काम कैसे करेगी। इस वीडियो में आप एक लेजर वेपन देख सकते हैं जो अमेरिका का है, जिसका नाम ANSEQ-3 लेजर वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि ये वेपन कैसे दिखता है। दुर्गा 2 भी काफी हद तक ऐसा ही दिखेगा। US नेवी ने एक बोट को आगे भेजा और आप सभी कमांड सेंटर को देख रहे हो जो अपने लक्ष्य पर निशाना साध रहा है। जिस तरह ANSEQ-3 को रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, दुर्गा 2 को भी रिमोट कंट्रोल द्वारा ही संचालित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसने कितनी आसानी से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि यह अपने टारगेट के कहीं भी हिस्से पर हमला करे वहाँ एक बड़ा छेद बना देगा। मतलब ये हथियार किसी आदमी को कितना घातक फिजिकल डैमेज दे सकता है। अब ड्रोन पर यह कैसे हमला करेगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर US नेवी ने लॉन्च किया एक ड्रोन और इसने ड्रोन को भी आसानी से तबाह कर दिया। आपको बता दें कि US नेवी इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है और इसे US नेवी ने अपने फ्लीट पर तैनात भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन DRDO का दुर्गा 2 अमेरिका के लेजर वेपन से काफी एडवांस होगा। अमेरिका सिर्फ इसे नेवी शिप पर लगाने पर फोकस कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ DRDO इसे जल, थल, वायु तीनों जगह से इस्तेमाल करने की सोच रहा है। हमारे DRDO इसे एक प्लेन पर तैनात करने की सोच रहे हैं और लॉकहीड मार्टिन भी इसी चीज पर काम कर रहा है। आप लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। लॉकहीड मार्टिन ने इस लेजर को प्लेन पर तैनात करने के लिए काफी हद तक प्रोटोटाइप का काम पूरा कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दुर्गा 2 फाइटर जेट से कैसे काम करेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक फाइटर जेट है जिसमें लेजर वेपन माउंटेड किया गया है। मान लीजिए भारत पर चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल लॉन्च की, तो फाइटर जेट उस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और दुर्गा 2 से उसे हवा में ही ध्वस्त कर देगा। दुर्गा 2 को हम एक ट्रक पर भी तैनात कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काली ही तो है। काली दुर्गा से काफी अलग है। हालांकि ये एक ही श्रेणी में आते हैं। दोनों ही हथियार DEW के अंदर आते हैं। DEW का मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इन्हें बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल एनर्जी को कंप्रेस करने में आती है। अब जानते हैं काली दुर्गा से अलग कैसे है। तो आप मान लीजिए एक इंसान है और उस पर हम काली से हमला करते हैं, तो उस इंसान पर कोई भी छेद नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह उस इंसान के अंदर के बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से गल जाएंगे। इसी तरह काली किसी भी ड्रोन और फाइटर जेट के अंदर की चीज को डिस्ट्रॉय करती है, जबकि दुर्गा ड्रोन या जेट में एक छेद कर देती है। इसकी वजह है इसकी इलेक्ट्रिक पावर। काली 40 मेगावाट जूल की एनर्जी से अपने टारगेट पर हमला करता है, जबकि दुर्गा 2 100 मेगावाट जूल्स के इलेक्ट्रिक से हमला करेगा। 100 मेगावाट जूल्स आसमान से गिरने वाली बिजली से भी कई गुना ज्यादा है। यही चीज काली और दुर्गा 2 को एक दूसरे से अलग बनाती है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या DRDO ने दुर्गा 2 बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है और DRDO ने भारत सरकार से $100 मिलियन का फंड मांगा है, जो करीब 730 करोड़ रुपए होते हैं। अगर भारत सरकार DRDO को $100 मिलियन का फंड देती है, तभी DRDO इस पर तेजी से काम शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्ट में काम करेगी DRDO की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके अलावा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और द सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। और इसका परीक्षण होगा टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च एंड लेबोरेटरी में, जो हरियाणा के रामगढ़ में स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि चीन के पास भी इस तरह के वेपन है, तो मैं ये दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि चीन ऐसे वेपन को पूरी दुनिया से छुपा के रखता है। लेकिन चीन इन मामलों में अमेरिका से भी आगे है, तो इस बिहाब पे कह सकते हैं कि हाँ, चीन के पास भी लेजर वेपन हो सकता है। 2020 में जी न्यूज की एक रिपोर्ट आई थी कि चीन के पास एक ऐसा लेजर वेपन है जो भारत और अमेरिका के सैटेलाइट को भी तबाह कर सकती है। सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जो कम से कम 450 किलोमीटर की ऊंचाई में होते हैं। तो ये बात सच है या झूठ, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, अगर चीन के पास ये लेजर वेपन है तो ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है,
जिससे हमें बचने के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्गा 2 कैसे काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।